तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे जो DSLR कैमराज होते हैं उसको कनेक्ट करने वाले हैं अपनी LCD में, यानी कि जो मॉनिटर्स होता है ना उसके अंदर। तो यहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है अगर आप एक यूट्यूबर है या तो फिर आप कोई फोटोग्राफी का काम करते हैं, तो ये वीडियो आपको इतना यूज़फुल होगा कि आप है ना लाइक किए बिना रह ही नहीं पाओगे। वैसे भी यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, बहुत मेहनत भी है और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी है इसमें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम ये जो कैमरा को कनेक्ट करने वाले हैं अपने मॉनिटर LED के साथ, तो उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होगा। और ये जो प्रोडक्ट है वो ये रहा। ये एक्चुअली में एक केबल है जो मिनी HD से फीमेल HD में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये HDMI का ही केबल है, बट छोटा है। सेम वैसा ही केबल DSLR के अंदर होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये रहा, ये जो केबल है वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। ये हर एक कैमरा में होता है, चाहे निकॉन का कैमरा हो चाहे कैनन का कैमरा हो, लेकिन आउटपुट हमेशा होता ही है। तो ये तो आपको पता चल गया, मैंने वो कनेक्ट करके भी दिखा दिया है। और यहाँ पे उसकी प्राइस की बात करें तो ये 450 रुपये में मुझे पड़ा था। हालांकि अलग अलग लिंक्स हैं, लेकिन ये है ना बहुत रफली यूज़ होगा, तो मैं थोड़ा एकदम ओरिजिनल लिया हूँ, ओरिजिनल ही परचेस किया है, क्योंकि ये ना बहुत मोटा है देखो, तो इससे क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होगा जल्दी से केबल। तो मैंने अच्छा वाला लिया क्योंकि बहुत यूज़फुल है ये केबल। अब ये कैसे वर्क करता है, तो ये हमने इनपुट कर दिया है। अभी सामने हमारी LED है, ये रहे, ये मेरे पास डेल का मॉनिटर है, तो यहाँ से मैंने HDMI इनपुट करके यहाँ पे ले लिया है जो मेल HDMI है। और वो जो HDMI है वो हमारे कैमराज के जो केबल हमने डाला ना उसके फीमेल सॉकेट में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो गाइस, अभी हमारा पूरा सेटअप रेडी है, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत थी नहीं उसके अंदर, खाली इनपुट ही करना है दोनों जगह पे। तो हम इसे अब ऑन करके देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि LED के अंदर यहाँ जो डिस्प्ले आ रही थी वो आ चुकी है। ये ऊपर एपेचर ये सब दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये उसका सेटिंग्स आ चुका है, यही नहीं आएगा पूरा डिस्प्ले भी आ जाएगा देखो। शूट हो रहा है वही है। तो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर है और पूरे वीडियो जो अकेले बनाते हैं अकेले शूट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी कि भाई कितनी ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि कैमरा दूर रखना पड़ता है, तो यार उसका जो फोकस है वो करना पड़ता है, वीडियो चालू बंद करने के लिए भी जाना पड़ता है, और मतलब मज़ा ही नहीं आता है। तो ये केबल कुछ हेल्प कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर बताएगा सब कुछ, जो भी आप लोग कर रहे हो कैसा दिख रहा है, फ्रेम सब कुछ आप अच्छे से प्रॉपर देख पाएंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मेरे पे फोकस करके देखते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप है ना उसे कनेक्ट कर पाओगे और बहुत मज़ेदार है। इसको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यही लिंक दिया है मैंने जो मैंने परचेस किया है, क्योंकि बहुत सारे केबल्स हैं लेकिन कभी कभी है ना गड़बड़ हो जाती है कोई कोई लिंक में। तो मैंने बहुत रिसर्च करके ये केबल परचेस किया था और फिर मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग देख लो एक बार। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई कैमरा का काम करते हो तो यूज़फुल है वीडियो है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में था बस इतना ही। अब मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तक के लिए गुड बाय।